आज हम देखेंगे एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। एक्टिविटी यानी सक्रियता और एक्टिविटी कोफिशिएंट सक्रियता गुणांक। एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक। सर्वप्रथम सक्रियता के बारे में लेविस ने बताया। इसका उपयोग सर्वप्रथम इस पद का लुईस के द्वारा किया गया। अब इसको समझने के लिए जैसे कोई विद्युत अपघट्य है, ये वाला विद्युत अपघट्य है जिसके अंदर धन आयन और ऋण आयन ए प्लस और बी माइनस है और ये इस तरह से आयनों के अंदर वियोजित हो रहा है। ये सामने अवस्था में है इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या साम्य स्थिरांक या हम कह सकते हैं वियोजन स्थिरांक डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका कांस्टेंट इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे दर्शा सकते हैं। इस तरह से दर्शाते हैं ये अपन कई बार इस तरह से लिखते आए हैं। यहाँ पे ये जो पद है लॉग मास एक्शन द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से ये जो पद है ये मोलर सांद्रता है। ये लॉग मास एक्शन से ये एक्टिव मासेज है। एक्टिव अपन कहते हैं ना कि जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान यानी एक्टिव मास के गुणनफल के समानुपाती होता है लॉग मास एक्शन से। तो ये जो है ये एक्टिव मासेज है। एक्टिव मास ऑफ ए प्लस, एक्टिव मास ऑफ ए बी माइनस, एक्टिव मास ऑफ ए बी, और इनको हम मोलर सांद्रताओं के रूप में मोलर कंसंट्रेशंस के रूप में व्यक्त करते हैं। मोलर कंसंट्रेशन जैसे इसकी ए प्लस की सी ए प्लस से अपन व्यक्त कर रहे हैं और बी माइनस की सी बी माइनस से और ए बी की मोलर कंसंट्रेशन इस तरह से दिखा रहे हैं। तो हम के को हम ऐसे लिखते हैं कि एक कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है और स्थिरांक स्थिर रहता है। कांस्टेंट का मतलब यही है स्थिर है, हर एक सांद्रता पे स्थिर रहना चाहिए। लेकिन ये देखने में आता है कि कंसंट्रेशन चेंज करने पे के का मान चेंज हो जाता है। कंसंट्रेशन को बढ़ाने पे के मान में वृद्धि हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये देखने में आता है कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य है वो वैसे तो पूर्ण रूप से आयनित होता है, आयन्स के अंदर 100% रहता है हर कंसंट्रेशन पे। लेकिन क्योंकि आयन्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है इस वजह से उसके आयन विचरण नहीं कर पाते विलयन के अंदर और विद्युत धारा को ले जाने में सारे के सारे आयन समर्थ नहीं होते हैं। सारे के सारे आयन विद्युत धारा के अंदर वो योगदान नहीं देते हैं। तो वो आयनों का अंश जो विद्युत धारा प्रभावित होने में अपना योगदान देता है वो एक्टिव आयन्स होते हैं, वो सक्रिय आयन होते हैं। तो इस चीज से सक्रियता का पद आया है। इसको यूं समझिए जैसे हमने एक ये पात्र लिया है और इसके अंदर हमें सोल्यूशन जैसे ए बी विद्युत अपघट्य सोल्यूशन इसके अंदर भरा है।
अब इसके अंदर हम देखते हैं कितनी धारा बह रही है, कितने करंट आ रहा है, और हम दूसरा अगर इसके अंदर कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, मान लीजिए डबल कर देते हैं, तो करंट भी बढ़ जाना चाहिए उसी अनुपात में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कंसंट्रेशन को बढ़ाने पे करंट उतना नहीं बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जो आयंस बढ़े हैं वो सारे के सारे विद्युत धारा के अंदर योगदान नहीं कर पा रहे हैं। और वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आयनों के बीच में आकर्षण बल है, जिसके कारण से उनका सबका मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, विलयन के अंदर वो विचरण करने के लिए फ्री नहीं है। तो यही कारण है कि प्रभावी जो अंश है आयनों का, जो विद्युत धारा को ले जाने में समर्थ होता है, वो कुछ अलग है, और कंसंट्रेशन जो आयनों की, टोटल आयनों की संख्या है, वो कुछ अलग है। तो ये जो प्रभावी अंश है आयनों का, इसको प्रदर्शित करने के लिए लुईस ने एक नई टर्म, एक जिसको कहते हैं हम एक्टिविटी, सक्रियता, सक्रियता की अवधारणा दी, एक्टिविटी। उसने एक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में ये संबंध स्थापित किया। देखिए ये एक्टिविटी है, ये बराबर है एफ सी के। सी क्या है? ये जो सांद्रता है जो अपन प्रयुक्त करते आए हैं, मोलर कंसंट्रेशन, ये है मोलर कंसंट्रेशन। एफ यहाँ पे एक्टिविटी कोफिशिएंट कहलाता है, एक्टिविटी को एफिशिएंट, सक्रिय करना कहलाता है। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट को, F इज इक्वल टू A अपॉन C। ये तो हम कहेंगे कि एक्टिविटी है, या हम कह सकते हैं प्रभावी सांद्रता है, प्रभावी सांद्रता। और ये C क्या है? वास्तविक सांद्रता है। तो प्रभावी सांद्रता और वास्तविक सांद्रता का जो अनुपात है वो एक्टिविटी कोफिशिएंट यानी सक्रियता गुणांक कहलाता है। अब देखिए, जब हमने देखा था सांद्रता को हम अलग अलग तरीके से दर्शा सकते हैं, तो इसमें हमने देखा था मोलरता, मोलरता यानी जब हम विलायक 1000 ग्राम लें और उसके अंदर घुले हुए विलेय के मोल की संख्या जो है, ये उसकी मोललता कहलाती है। तो जब हम इस तरह से कंसंट्रेशन को मोललता में व्यक्त करते हैं, तब हम ये एक्टिविटी कोफिशिएंट है उसको गामा से प्रदर्शित करते हैं, गामा से। जब हम सांद्रता को मोललता में प्रदर्शित करेंगे, मोललता को हमने स्मॉल एम से प्रदर्शित किया था, जब हम सांद्रता को मोलता व्यक्त करेंगे तो एक्टिविटी कोफिशिएंट को गामा से व्यक्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब ये जो लिखेंगे एक्टिविटी बराबर गामा एन, इस तरह से दर्शाते हैं। अब जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो जो आयंस हैं वो ज्यादा संख्या में विद्युत धारा का चालन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी जब हम डाइल्यूट करते हैं उनके बीच में डिस्टेंस भी बढ़ता है और अंतर आणविक जो अंतर आयनी आकर्षण है, आयंस के बीच में जो आकर्षण है वो कम होता है। तो वो कम होगा तो आयंस ज्यादा फ्री होंगे धारा को, विद्युत धारा को ले जाने के अंदर ज्यादा समर्थ होंगे, और उनका अंश ऐसे आयनों का बढ़ेगा, यानी ऐसे प्रभावी जो आयंस है, जो सक्रिय आयंस है, उनका अंश बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो सक्रियता गुणांक है वो एक की तरफ अग्रसित होगा। हम ऐसे कह सकते हैं सक्रियता गुणांक एफ
का मान एक की तरफ जाएगा जब हम विलयन को तनु करेंगे, और अनंत तनुता पे हम कह सकते हैं कि F का मान एक के बराबर होगा, और ऐसी स्थिति में हम उस विलयन को आदर्श विलयन कहते हैं, यानी जो सारे के सारे आयंस हैं वो विद्युत धारा को ले जाने में योगदान करेंगे, और ऐसे विलयन जो है वो आदर्श विलयन होंगे जिनके अंदर सक्रियता गुणांक का मान एक होगा। तो हमने आज इस वीडियो में देखा कि सक्रियता और सांद्रता में क्या अंतर होता है, हमें सक्रियता का पद क्यों प्रयुक्त करना पड़ा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।